पूरे देश में कोरोना के संक्रमण के सबसे घातक हथियार बन चुके तबलीगी जमात के लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन मरकज वाले खुद सामने आने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इस बीच मरकज जमात के लोगों द्वारा छुपाकर अपना इलाज कराए जाने का एक मामला कटिहार से सामने आया है। कटिहार में यूपी का रहने वाला एक मरकज जुड़ा संदिग्ध कोरोना मरीज चोरी छिपे अपना इलाज करवा रहा था, लेकिन जब हालत बिगड़ी तो ना चाहते हुए भी उसे सामने आना पड़ा। दरअसल मरकज वाला 31 मार्च से अपनी पहचान छिपाकर सदर अस्पताल में इलाज करवा रहा था। ये मरकज वाला प्राणपुर से रेफर होकर सदर अस्पताल में आया था। जब इस मरकज वाले की तबीयत बिगड़ी तो पूरी सच्चाई सामने आई। मरकज वाले ने बताया है कि वो यूपी के जौनपुर का रहने वाला है और दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में शामिल हुआ था। इसके बाद उसे तुरंत कटिहार मेडिकल कॉलेज स्थित आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है, जहां से उसका सैंपल लेकर आगे जांच के लिए भेजा जा रहा है। वहीं सिविल सर्जन अरविंद प्रसाद साही ने बताया है कि अगर जरूरत पड़े तो जांच रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल से जुड़े उस वार्ड में भर्ती अन्य मरीज या फिर उनके इलाज में लगे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को भी क्वारंटीन कर रखा जाएगा। यहां पर 31 मार्च को एक पेशेंट प्राणपुर से आया रेफर्ड होके, उस समय डॉक्टर सुमन ऑन ड्यूटी में थे, उन्होंने उसको एडमिट किया है, लेकिन उसको पैर में दर्द की शिकायत लेकर आया था। ठीक, तो बहुत सा कारण हो सकता है पैर में दर्द का, वो डॉक्टर साहब का अपना विवेक के अनुसार उसे भर्ती किए हैं। आज एक अन्य दूसरे मरीज को देखने जाने के क्रम में किसी WHO के हमारे फील्ड मॉनिटर ने बगल में बैठे इस व्यक्ति से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो इसने कहा कि मैं जौनपुर से आया हूँ। तो और उसी के क्रम में कि यहाँ आप कैसे आए, जब वो पूछ पाछ कर रहा था तो उसने कहा कि मैं जमात में भी गया था, और उसी के आधार पर हम लोगों ने उसे सैंपलिंग के लिए भेजा है कटिहार मेडिकल कॉलेज में। आज सैंपल भेजा जाएगा, जैसा रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव आता है तो पूरा अस्पताल के सभी लोग जो उसके संपर्क में आए हैं सभी का सैंपलिंग, सभी का क्वारंटाइन किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल उस शख्स की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ये पता किया जाएगा कि वो शख्स कैसे इतने दिनों तक कटिहार के प्राणपुर में रहा है। कटिहार से न्यूज के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।